सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लिक्विड गेमर। तो हेलो बलुक, स्वागत है आपका हमारे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपना नेक्स्ट वेपन रॉयल है उसमें कौन सी गन आने वाली है। और भाई लोग, हमेशा की तरह इसके अंदर भी मैं आपको दो गन बताऊँगा और उन दोनों में से एक आपको अगले वेपन रॉयल में देखने को मिलेगी। लेकिन भाई लोग, मैं कंफर्म बताऊँगा लास्ट में वीडियो के एंड में कौन सी गन के आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वालों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपको कुछ लीक्स एंड अपडेट के बारे में भी बता दूंगा जो आपको आगे आने वाले इवेंट्स में वो कर देखने को मिल सकती है। तो गाइस, अपन की बहुत ज़्यादा ऐसी पब्लिक है जो वीडियो को गाइस देख के तो चली जाती लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, तो वालों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी अपन चलते हैं अपनी पहली लीक के ऊपर। लीक तो गाइस, जो आप अभी ये बंडल देख रहे हो भाई, जो आपके सामने आ गया है, ये है अपन का जो ईद के इवेंट के अंदर फीमेल बंडल मिला था, उसका मेल वाला बंडल है। तो भाई, ये आपको डायमंड स्पेंड करने पे मिलेगा। और जो इसका इवेंट है वो आपको लगभग 17 मई को देखने को मिल जाएगा। भाई, ये बंडल तो भाई दिखने में तो भाई ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन भाई लोग जिसको लेना है वो तो निकालेगा। तो भाई, अगर अपन आगे बात करें तो ये ग्रेनेड की स्किन है जो आपको आगे WWCFFCS के अंदर देखने को मिलेगी। तो भाई, पता नहीं मेरा दिमाग किधर चला गया। तो भाई, आप इसका एनिमेशन देख लो। तो गाइस, FFCS के अंदर आपको पता है गैरेना बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है अपन के इंडियन सर्वर पे। तो भाई लोग, पूरा का पूरा इवेंट के साथ ट्यूनिंग में रहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इमोट भी आपको देखने को। तो भाई, अपन के मतलब फ्री फायर की फर्स्ट ग्लोबल की मेरे हिसाब से लेजेंडरी स्किन आ गई है, और ये है वो लेजेंडरी स्किन। भाई देखने में, भाई इसका एनिमेशन होकर देखे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमेशन है इसका। साथ के साथ इसके ऊपर भाई वो कुछ ये पता नहीं बिजली वगैरह निकल रही है। तो भाई, ये भी मुझे लगता है कि आपको आगे FFCS के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल जाएगी, टॉपअप इवेंट में देखने को मिल सकती है। तो भाई, अपन का ये जो पता नहीं इस पैट का नाम क्या था, जादू, हाँ कुछ भी भाई ऐसे मैंने नाम रख लिया जादू। तो भाई, इस पैट की पहली स्किन आ गई है। भाई पहले मतलब जो इसका पैट है वो तो मेरे हिसाब से ग्रीन कलर का है, लेकिन इसकी ये स्किन आ गई है। तो भाई, ये पैट बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तो इसको भाई जितना देखे उतना चले। एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह। तो अभी अपन आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो भाई ये है अपना इलाइट पास, जिसके अंदर अपन को मॉन्स्टर ट्रक बैनर अवतार आप देख लो। साथ ही साथ ये फीमेल की ड्रेस, ये बैनर, और ये पता नहीं ये अपना फीमेल का मेन बंडल है भाई, ये जो आपको इलाइट पास में आगे देखने को मिलेगा। ये जून इलाइट पास की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो भाई, बंडल तो ठीक ठाक ही है। साथ ही साथ इस बंडल इस इलाइट पास के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप देखते जाओ, मैं बोलता रहता हूँ। तो भाई, ये बैकपैक स्किन बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब एकदम खतरनाक खतरी जहर वाली। तो बैनर एम्पीफाई की स्किन, साथ ही साथ भाई ये भाई इमोट भाई कितना तगड़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इमोट है भाई। इसके लिए बहुत सारे लोग इसको लेंगे लाइट पास को। तो ये है सर्फ बोर्ड जो कि ठीक ठाक है। तो ये है अपना लूट बॉक्स जो कि ठीक ठीक है, और साथ ही साथ पैरासूट तो एकदम बकवास है। और भाई लोग, ये है अपना मेल बंडल। तो भाई, मुझे नहीं पता फ्री फायर वाले मेल बंडल को इतना घटिया क्यों बनाते हैं, और साथ ही साथ जितने भी मेल बंडल होते हैं वो अक्सर लगभग डायमंड वाले इवेंट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इतनी खुशी तो भाई देखो, मैंने आपको पूरा का पूरा अपना वो बता दिया, उसे क्या कहते हैं जून इलाइट पास। तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो नहीं लेकर आऊँगा। तो अभी अपन वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर चले, तो भाई वो है नेक्स्ट वेपन रॉयल। तो उसके अंदर दो गन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, पहली है पैराफुल। तो भाई, इसकी मतलब देखो, आप स्किन देख लो, इसके एट्रीब्यूट्स अब तक मुझे फिक्स कंफर्म नहीं मिले हैं। साथ ही साथ इसका मिनी पॉकेट वर्जन में G18 की स्किन भी आई है। तो गाइस, दोनों स्किन लगभग देखने के अंदर ज़्यादा मुझे कुछ खतरनाक लगी नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ वो अच्छा वाला एनिमेशन था नहीं। और अभी अपन बात करें सेकंड गन वेक्टर की, तो भाई इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा भाई, दोनों वेपन रॉयल में आएगी, इनके दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। तो गाइस, अगर बाय चांस पहले वेक्टर आती है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर पैराफुल आएगी, और अगर नेक्स्ट वेपन रॉयल में पैराफुल आती है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट के अंदर वेक्टर आएगी। लेकिन मतलब आएगी तो भाई दोनों गन, लेकिन पहले कौन सी आती है उस पर डिपेंड करता है। तो साथ ही साथ ये देखो, MAX 7 की भी एक स्किन आएगी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, ये देखो, ये कुछ अपडेट लीक्स वगैरह थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। और भाई, ये मैं 100% कंफर्म कहता हूँ कि इन दोनों गन से ये गन निकल के आएगी आपको अगले वेपन रॉयल के अंदर। तो भाई, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इधर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स।